हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। मैं खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड रैंक, और इस बार जा रहा हूँ मैं फार्मटोपिया पे। वैसे ही इस जगह पे मैं किंग, खलनायक सब बन चुका हूँ, बट आज इस जगह का नायक बनेंगे। तो चलो जल्दी से गन उठाते हैं और फिर लोगों को फिर लॉबी पहुँचाते हैं। और क्या, वैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंदे आए हैं, मतलब आ रहे हैं कुछ बंदे ऊपर पे, और ये एक तो डाउन हो गया, वो भी फार्मर से। वैसे इस गन से मुझे एक किल करना मुश्किल रहता है, तो आज लगता है कि ऐसे गन से मैं एक किल कर दिया हूँ तो आज का गेम बहुत ज़्यादा ओपी होने वाला है। चलो सही है, तो जल्दी से कोई दूसरा गन ढूंढ लेता हूँ। सामने इनेमी, अरे नहीं भाई, मैं सबसे पहले गन ढूंढूंगा, क्योंकि उन लोगों को गन मिल चुका है और मुझे जो गन मिला है वो सबसे बकवास गन है। फार्मर टैप करना पड़ता है, इसे ड्रैग उठा भी नहीं सकते, तो जल्दी जल्दी पहले गन उठाऊंगा। अरे फिर डैमेज करके देखता हूँ उसको, इससे तो नॉक नहीं होगा बंदा, मेरा एमओ खत्म हो जाएगा, बट इस गन से नॉक नहीं होगा। और सामने ही नेमी, अरे अरे ये तो पीछे पड़ गया। चलो शॉर्ट गन मिल चुका है, अबे हाँ हिम्मत है तो बाहर निकल, मतलब ऊपर आ, लगता है डर गया। गजब तू बीवाज आदमी, यहाँ पे कौन सा गन है, थॉम्सन, चलो ये उठा लेता हूँ, M10 से तो अच्छा ही है। और कहाँ है वो रहा, ये खाया मुंह पे, ये मारा गया सुमित। सुमित का ना तो सु बचा ना मीट बचा, दोनों खत्म। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हल्का हंस। ओके यहाँ पे अपने को मिल चुका है SKS, तो ये गन ठीक है क्योंकि लॉन्ग रेंज पे ज्यादा डैमेज करता है। और इधर तो भाई साहब क्या ही बंदे हैं, मतलब इतना ज्यादा फायरिंग का लोकेशन, और एक किल चोरी कर लिया मैं, उस बंदे को डाउन करके रखा था और मैं किल चोरी कर लिया, अरे मजा बच गया, बट कोई बात नहीं। इधर फायरिंग का लोकेशन आ रहा है और जो स्कैनर आया, वो भाई चारों तरफ रेड डॉट। ओके पहले इसको मारेंगे, इधर है छोड़े, अरे इधर चला गया, हाँ आ रहा है, ये डाउन हो गया, इससे पंगा लेगा वो लॉबी पहुंच जाएगा। और क्या, तो और क्या है बंदे लोग, ओ भाई कितने सारे बंदे हैं, ये हीरो बनने आया है। हाँ आ जा, ये मर गया। माई सेल्फ अमन, क्या अमन भाई तुम हीरो बनने आए थे, तो अरे ये अपना नाम बता रहा है, मैं भी अपना नाम बता दूं, माई सेल्फ नील। ओके ओके, तो ये बंदा को मानना पड़ेगा, अपने नाम में माई सेल्फ अमन लिखा है, अमन लिख देता तो हम नहीं जानते क्या, अजीब अजीब लोग है, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। चलो तो यहाँ पे सामने काफी बंदे हैं, तो यहाँ पे मैं इजिली 10 किल तो निकाल ही लूंगा, जितने बंदे यहाँ पे आए हैं उस हिसाब से आराम से निकल जाएगा। ओके एक बंदा इधर मैं देख चुका हूँ, जो शायद मुझे नहीं देखा है या देख चुका है, जो भी है। चलो उसको छोड़ देता हूँ क्योंकि अंदर पे बंदे लड़ रहे हैं, तो इन लोगों को पहले मारेंगे, क्योंकि अगर इन लोगों को नहीं मारूंगा तो ये लोग लड़ लड़ के मर जाएंगे और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा किल चोरी किया जाए, और ये भाई साहब मैंने इस बंदे का किल चोरी कर लिया, यहाँ पे अपना 8 किल निकल चुका है और एक बंदा अभी भी शायद डाउन है, उसका किल आया कि नहीं, शायद आ गया, मैं ध्यान नहीं दिया। 10 seconds late है, सामने फिर फायरिंग का लोकेशन आ गया, वो रहा यार, मैं इतना कोशिश किया उसको ड्रैग मारने की, आज पहली बार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कहते हैं ना, आज हार गया मैं, बट मैं इसको जीत में बदल दूंगा। और ये हो गया नॉक, बट हेडशॉट मारने की कोशिश किया मैं उसको लेकिन लगा ही नहीं। तो इधर भी बंदे हैं, इसको छोड़ देता हूँ, ये इसका किल आ जाएगा। इधर जो बंदा है ना ग्लू वॉल के पास, उसको देखते हैं, लगता है पास में जाके मारना पड़ेगा उस बंदे को, तो मेरे ख्याल से वो ग्लू वॉल के पीछे है, चलो देखते हैं। वैसे यहाँ पे लूट बहुत अच्छा मिलेगा क्योंकि ड्रॉप गिरा है ना, और ये रहा एनिमी, ये डाउन हो गया। ओ माय गॉड, ये बंदा अपने आप को ग्लू वॉल से घेर के यहाँ पे लूट कर रहा था कि क्या कर रहा था पता नहीं, और मुझे भी ग्लू वॉल फोड़ के इसको लूट करना पड़ेगा। क्या क्या है इसके में, लॉन्ग रेंज का गन बस मिल जाए, क्योंकि शॉर्ट रेंज का अपने पास तो MP40 है, लॉन्ग रेंज का कोई ढंग का गन मिल जा। ओके कौन सा गन है, ओ ड्रैगनो है, मतलब SVD वाय, अरे अब आएगा ना मजा, और ये डेंजर जोन, अरे गिरना मत, चलो बच गया क्योंकि ये गिरने ही वाला था ना इसका बॉम्ब वगैरह डेंजर जोन का, तो चलो बच गया अपन। तो यहाँ पे फालतू सामान तो कुछ भी नहीं है, तो जैसे ही डेंजर जोन खत्म होगा ना उसके बाद फिर
बगल पे रिवाइव पॉइंट को यूज कर रहे हैं ना, वहाँ पे जाके बंदों को फिर मारेंगे। मस्त प्लान है। चलो सर के ऊपर से डेंजर जोन तो हट गया, अब जिस बंदे ने रिवाइव पॉइंट यूज किया है उसको देखते हैं कहाँ पे है। पक्का आसपास में ही होगा, उसको मार के फिर सर्कल में जाएंगे। अरे मिल गया, ये रहा। ओ भाई यार, इसका तो बलात्कार हो गई। इसके साथ तो बहुत गलत हुआ, सीधा मुंह पे गोली काया। तो इसके बाकी टीममेट्स आसपास में है क्या? नहीं है लगता है। तो चलो अब सीधा सर्कल में जाते हैं। The next morning. ओके, सामने पे लगता है दो स्क्वाड के बंदे हैं। चलो किल मिलेगा। अपने यहाँ पे 11 किल हो चुका है और दो स्क्वाड के बंदे को मारेंगे, उसके बाद हो जाएगा 20 किल, मतलब 19 किल। अरे कहाँ भाग रहा है वो बंदा? यहाँ पे तो दो तीन बंदे हैं। एक डाउन, इसको पूरा मार देता हूँ। अरे बहुत डाउन, क्योंकि दो तीन बंदे एक साथ मुझको मारने के लिए दौड़ेंगे। क्या उसको छोड़ूंगा? नहीं, डैमेज है उसको, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये नॉक हो गया, बोला था ना। ये भी डाउन। और कहाँ है? और किधर है? अरे रिवाइव हो गया। ओए मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुआ सेल्फ रिवाइव इंजेक्शन यूज करने की? वो सीट मेरा किल चोरी ना हो जाए। चलो अपना किल कंफर्म तो हो गया। ओके वो कूद गया, डाउन भी हो गया। सुमित, सुमित भाई 4-3 आ गया तेरे को स्वाद। सेल्फ रिवाइव इंजेक्शन लगा के ये बंदा वैसे बच गया था एक बार, बट बार बार मौका नहीं मिलता लोगों को। तो यहाँ पे मेरा हो चुका है 14 किल और एक बंदा पीछे और एक बंदा आगे है। फुटी स्टेप साउंड से तो लग रहा है यहाँ पे दो ही स्क्वाड के बंदे हैं। ये रहा, अरे भाई शॉटगन वाले भैया तो मेरे पीछे पड़ गया लगता है। ये रहा, तो क्या डैमेज करता है? छोड़ो भैया मैं नहीं लड़ूंगा, मैं सबसे पहले मेडिकेट लगाऊंगा, वो भी सुपर मेडिकेट, वरना मारा जाऊंगा, क्योंकि श्रिंक आ चुका है और काफी ज्यादा डैमेज कर रहा है। रे रे रे, हो जाएगा हो जाएगा, बच गया मैं तो। यहाँ पे लॉन्चिंग पैड लगाता हूँ और निकल जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर लड़ूंगा ना तो गेम बोया नहीं होगा और अपने को गेम बोया करना है। वैसे एक दो बंदे के किल के पीछे नहीं भागना चाहिए, तो इसी चलते मैं सबसे पहले सर्कल में पहुँचूंगा, क्योंकि यहाँ पे आराम से बंदे को मारेंगे। ओके इधर वो रहा बंदा। अरे कहाँ गया, किधर गया, कहाँ छुप गया? गाड़ी के पीछे है, गाड़ी के पीछे है। ओके डाउन हो गया। इसके पास है लॉन्चर या फिर वो आरपीजी था, जो भी है, बट ये मारा गया। ओके तो इसके पास एक भी ग्लोवाल नहीं है। मुझे लगा था कि दो चार ग्लोवाल मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास ग्लोवाल नहीं है ना, दो ग्लोवाल बस है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, इसको लॉन्च कर देता हूँ, स्कैनर को, ताकि आगे जितने भी बंदे हैं ना दिख जाएंगे। ओके सामने एक बंदा ड्रॉप लूटने आया है। ओके लगता है कि ना इसको एमपी 40 से ही मारना पड़ेगा शॉर्ट रेंज में। ये FZ ऑफिशियल किलिंग स्प्री। ओके तो अपने यहाँ पे हो चुका है 16 किल और श्रिंक फिर आ रहा है, तो मुझे फिर सर्कल में जाना पड़ेगा। चलो यहाँ पे ग्लू वॉल मिल गया। ओके एक इनिमी सामने पे आए। बस हवा निकल गई। ये निकल गया हवा, मुझे मारने के लिए आया था, वो भी सीधा सीधा रस मार रहा था। मारना पड़ेगा इस बंदे का, ओवर कॉन्फिडेंस। तो सामने फाइट चल रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं, ये बंदा शायद मर जाएगा अगर सेल्फ रिवाइव इंजेक्शन नहीं होगा। चलो इसका किल आ गया, मतलब इसके पास सेल्फ रिवाइव इंजेक्शन नहीं था। और सामने खतरनाक टाइप का फाइट चल रहा है और सामने, ओ भाई तीन बंदे बस बचे और सामने एक दिख रहा है, ये एक आया हेडशॉट। तो वो बंदा नॉक है, एक बंदा एलिमिनेट हो गया, तो एक बंदा नॉक है और एक बंदा उसका खड़ा है, मतलब जिंदा है। कहाँ है भाई? बच गया मैं तो, अगर गलती से हेडशॉट लग जाता ना उसके शॉटगन में तो मैं खत्म हो जाता। ओके जल्दी से यहाँ पे सुपर मेडिकेट लगा लेता हूँ, लगता है वो बंदा आ रहा है। ये आया और ये मारा गया। मिस्टर स्टॉर्म, स्टॉर्म भैया तुम सही जगह ढूंढने आए थे बट गलत कर दिए, गलत आदमी को ढूंढने निकल गए यहाँ पे। तो इस बंदे को मार के अपना 19 किल के साथ इस गेम को मैंने बोया निकाल लिया,
जो कि हमेशा की तरह वो बहुत ओपी था। तो अगर आप लोगों को गेम प्ले अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना गाइज।